तो ये सारे नाम से अराउंड पोजीशंस जो होती है वो स्टार्ट होती है एंट्री लेवल की उसके बाद मैंने सबसे पहले तो कैपे में एग्जाम दी बट एक्सएल और एम एस प्रोजेक्ट ये दोनों ने मेरे को काफ़ी जो रेंज होता है ये जॉब का वो होता है अराउंड सो हैव रिवन होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एंट्री लेवल पोजिशंस जो होती है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वो कुछ कॉमन से नाम मेरे जब आप मेरे को याद है वो मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट कंट्रोल ऑफिसर प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, सो ये जितने भी पोजीशंस के नाम मैं बता रहा हूँ उसमें आप विदाउट एक्सपीरियंस भी प्रोबेबिलिटी है कि आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिलने के चांसेस भी है सो so, उसी के बारे में बात करेंगे कि ये पोजिशन्स में आपका काम क्या रहता है और उसका पे रेंज कितने तक रहता है और साथ ही में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा क्योंकि अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मैंने इंडिया में मेकेल इंजीनियरिंग करी है बट मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट मैनेजमेंट में हमेशा से था और मेकेिकल इंजीनियरिंग में उतना ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं था आगे जॉब करने के लिए सो so, मैंने यहाँ पर कैनेडा आके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक साल का कोर्स करा था और उसके बाद मैंने केपेम का जो एग्ज़ाम आता है पी का वो भी दिया हुआ था तो वो भी पास आउट करा और उसके बाद मेरे को अभी चार पाँच महीने पहले मेरे को एक जॉब लगी थी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की सो so, वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा पर्सनल में पर्सनल लेवल के अंदर कि क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ और कितना वर्क लोड होता है पे कितने तक होता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है ये जॉब्स हासिल करने में सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो तो यार सबसे पहले तो पे रेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जैसे आप अगर बैचलर्स करके आए हुए हो और उसके बाद आपने पीजी डिप्लोमा करा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर और आपके पास स्किल्स है इनफ या आपने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन करा हुआ है तो ही चांसेस है कि आप इस जॉब के लिए हासिल कर पाओगे क्योंकि बहुत सारे कॉमन लोग भी ये वाला कोर्स करते हैं तो आपको थोड़ा सा स्पेशल दिखना रहता है स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ में जब आपका इंटरव्यू होगा तभी तो उसका जो पे रेंज होता है ये जॉब का वो होता है अराउंड 45 से 50 के से स्टार्ट होता है पर ईयर का जो एनुअल पैकेज जो होता है वो और वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर एक आध साल तक का एक्सपीरियंस है तो वो 60 से लेके 65 के तक भी पॉसिबिलिटी है कि वो पहुंच सकता है आराम से सो so, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये पोजीशन बेसिकली आती कब है सो so, इमेजिन करो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कंपनी है एक्स वाइज तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ऑन गोइंग चल रहे होते हैं जिनसे कंपनी का रेवेन्यू होता है सो so वो जो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको मैनेज करने के लिए उस कंपनी के अंदर या तो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है कोई तो अगर उन्होंने पोजीशन अलग से खुली हुई है तो और या फिर कई बार वो ऑपरेशन मैनेजर होता है या जनरल मैनेजर होता है डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट में कितनी आपके एफ़र्ट्स रिक्वायर्ड है कई बार अगर बहुत कम एफर्ट्स रिक्वायर्ड है तो ऑपरेशन मैनेजर ही हैंडल कर देता है प्रोजेक्ट मैनेजर सेपरेटली पोजीशन नहीं ओपन करते वो लोग सो ये तीन चार जो मैनेजर लेवल की पोजिशन होती है वो सारे प्रोजेक्ट्स वो लोग मैनेज करते हैं मेनली बट होता है कि कई बार प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसके अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक साथ में पंद्रह बीस पच्चीस तीस चालीस प्रोजेक्ट हो गए और जो ऑपरेशन मैनेजर है उसकी और ज़्यादा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो पार्ट है जो बजटिंग हो गया स्केड्यूलिंग हो गया उसका स्कोप मैनेजमेंट हो गया उस वो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में ध्यान नहीं दे पाता तो उसको एक सपोर्टिव रोल चाहिए होता है जो वो सारी चीज़ों के अंदर डिटेल में ध्यान दे पाए तो तब जनरेट होती है एंट्री लेवल वाली पोजीशन जिसका कॉमन जो पोजीशंस के नाम होते हैं वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर सो ये सारे नाम से अराउंड पोजीशंस जो होती है वो स्टार्ट होती है एंट्री लेवल की और वो लोग जनरेट करते हैं अब ये पोजिशन में मैं बात करता हूँ कि आपको काम क्या करना रहता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है उनको एक तीन सर्कल के बारे में ज़रूर पता होगा जो है वो थ्री कंस्ट्रेंड अबाउट प्रोजेक्ट तो वो होता है स्कोप बजट और स्कीड्यूल मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक कहता है वहाँ तक स्कोप के रिलेटेड या एंट्री लेवल पोजिशन में आपको ज़्यादा चीज़ें करने की नहीं आती है क्योंकि वो आपके जो सीनियर मैनेजमेंट है वो लोग ही डिसाइड करता है कस्टमर मेन कस्टमर के साथ आउटसाइड में बात करके सो तो आपका मेन जो काम होता है वो होता है कॉस्ट से रिलेटेड या स्कीड्यूल से रिलेटेड कॉस्ट रिलेटेड यानी अगर प्रोजेक्ट की कोई पर्टिकुलर उन्होंने बजट बना होता है कि इतने बजट के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था अब जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है एक बार अप्रूवल के बाद तो वैसे आपको मॉनिटर करना रहता है कि कितने हद तक वो प्रोजेक्ट के पीछे हम पैसे लगा चुके हैं और कितने हद तक वर्क डन हुआ है कहीं हमारा प्रोजेक्ट ओवर बजट नहीं जा रहा है या अंडर बजट नहीं जा रहा है या कोई प्रॉब्लम है जिसमें हमने पैसे अभी तक यूज़ नहीं करे या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट के लास्ट के फेज़ में बहुत सारे पैसे लगने वाले सो so, ये सारी चीज़ें कॉस्ट से रिलेटेड मॉनिटर करनी रहती है और दूसरा हो गया है स्कीड्यूल से रिलेटेड तो स्केड्यूल में प्रोजेक्ट का एक जब स्टार्ट होता है जब प्रोजेक्ट का किक ऑफ होता है जब प्रोजेक्ट लॉन्च करता है पूरी प्रोजेक्ट मैनेज जर और वो उनकी टीम को एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है और कैसे हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं तब हर एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी होती है तो वो डेडलाइन के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वरना कस्टमर लास्ट में सेटिसफाइड नहीं होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो जाता है अगर उस टाइम के ड्यूरेशन में कंप्लीट ना कर पाए तो तो ये स्ड्यूल को हर एक वीकली बेसिस पे या डे बाई डे बेसिस पे या मंथली बेसिस पे डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कितना बड़ा है तो उसके बेसिस पे मॉनिटर करना कहाँ तक पहुँचा है कितना डिले हो सकता है कितना जल्दी कंप्लीट हो सकता है और उसको कोऑर्डिनेट करना फिर कस्टमर के साथ या मैनेजर के साथ और उनको इन्फॉर्म करना सो so, वो सारी चीज़ें शेड्यूल के पार्ट में आ जाती है अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको समझाऊंगा तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी सो so, जैसे ही मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्प्लीट करा उसके बाद मैंने सबसे पहले तो कैपे एग्जाम दी सर जो एंट्री लेवल पोजीशन के लिए एग्जाम आप दे सकते हो मैं उसका वीडियो दे रहा हूँ उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ उसको जाके चेकआउट करना तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाएगी सो so, मैंने वो एग्ज़ाम दी मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया मैं पहली बारी मैं पास हो गया उसके बाद मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करा और मेरे को हायर करा और मेरा जो काम था वो मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग में कि किस तरीके का था सो so, अगर मैं अपने पर्सनल बारे में बात करूँ तो हर एक ट्यूसडे को मेरी एक मीटिंग होती है जिसमें पाँच से छः प्रोजेक्ट मैनेजर फ्रॉम कस्टमर एंड हमारी कंपनी के नहीं वो क्योंकि मेरी कंपनी मेन यूएस एस की है कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा आप लिंकडिंग डे फॉलो कर सकते हो मेरे को वहाँ पर आपको पता चल जाएगा सो so, यू की कंपनी है तो वहाँ पर पाँच छः प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं जो पाँच पाँच छः छः प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे होते हैं और टोटल ऐसे बीस पच्चीस प्रोजेक्ट जो है उनकी जो पूरी एम प्रोजेक्ट में एक मास्टर गैन होता है सो मास्टर गैंट इस बेसिकली हर एक प्रोजेक्ट के गैंट में एक ही मेन जो गैंट है उसके अंदर ही आप डिज़ाइन करते जाते हो तो उसको मास्टर गैंट बोलते हैं और उसको मॉडिफाई करना हर एक वीक पे अपडेट लेना सबसे तो वो एक घंटे की अराउंड मीटिंग होती है उसमें पूरा मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके पूरा अपडेट करता हूँ वो कैंड फाइल को फिर वो हो जाती है फिर उसके बाद शेयर करता हूँ और लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछने रहते हैं कि इसमें कितनी अपडेट है ये कितना परसेंटेज डन हुआ और ये पॉसिबिलिटी है फिर कई बार लोग सामने से बोलते थे कि ये चीज़ में ये प्रॉब्लम आई तो ये तो नहीं हो पाएगा सो वहाँ पर कोर्डिनेट करना रहता है क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है कस्टमर कैंड वाला उसको बताना रहता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है फिर वो कस्टमर से बात करता है कि क्या रिस्पॉन्स है फिर हमें पता चलता है कि इस चीज़ को हमें पुलअप करना है नहीं करना है या डीले होगा तो चलेगा सो ये स्कड्यूल वाला पार्ट था दूसरा मैं कॉस्ट वाला बताता हूँ तो कॉस्ट का बेसिकली ये होता है कि वीकली बेसिस पे हर थर्सडे को एक मेरे को एक डिटेल में रिपोर्ट प्रोड्यूस करना रहता है जिसमें हर एक जो प्रोजेक्ट जो है उसमें कितना मार्जिन आ रहा है कितनी एक्चुअल कॉस्ट है उसकी और कितने अभी रूलर्स बचे हुए हैं यानी फॉरकास्ट में कितने एडिशनल मनी हमारे पास है अभी तक स्पेंड करने के लिए अपार्ट फ्रॉम मार्जिन वो सारा एनालाइज़ करना रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था स्टार्टिंग में मैं आया मेरे को उन्होंने एक एक्सेल एक एक सीट दिखाई उसके अंदर आप देखोगे तो एक एक दो दो सेंटेंस के फॉर्मूला लगे हुए वील कप वाले बट मेरे को थोड़ा बहुत एक्सेल पहले से आता था तो मेरे को उतना हार्ड नहीं लगा एक दो हफ्ते में मेरे को समझ में आ गया और मैं उसको आगे से कैसे अपडेट करना है मॉनिटर करना है उस चीज़ें समझ गया बट एक्सेल और एम एस प्रोजेक्ट ये दोनों ने मेरे को काफ़ी हेल्प करी ये जॉब के स्टार्टिंग के इंडिविजुअल दिनों में और मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब वो हो भी होता है लिंकड भी होता है तो वहाँ से भी कोर्स करा हुआ था ऑलरेडी सीखा हुआ था तो सारी चीज़ें मैंने अप्लाई कर दी तो वही है कि कॉस्ट को मॉनिटर करना रहता है डिटेल में रिपोर्ट प्रोड्यूस करना है जिसमें अगर कोई प्रोजेक्ट ओवर बजट जा रहा है किसी प्रोजेक्ट में लॉस दिख रहा है तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसमें और एक बात ये कि जो लोग भी ये पोजीशन पे स्टार्ट करते हैं मैंने देखा है कि वो एक साल दो साल या तीन साल मैक्सिमम काम करने के बाद मेजॉरिटी ऑफ देम गेट प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर सो एक बार आप प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे जब चले जाते हो तो तब आपका काम थोड़ा सा और बढ़ जाता है और आपका जो रेंज होता है उसमें ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट भी हो जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ अटैच रहती है सो so, यही था आज के वीडियो के अंदर एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी बाकी मैं एक बार आपको ग्रीनरी दिखाना चाहूँगा पीछे यहाँ पे बेसबॉल खेल रहे हैं बहुत सारे लोग पीछे और ये पूरा किसी कैम्ब्रिज के किसी पार्क में मैं आया हुआ हूँ मेरे को रास्ते में कोई बोर्ड दिखा मैंने ऐसी गाड़ी घुमा दी मैंने कहा घर जाने से पहले एक बार ये देख लेता हूँ जगह तो यहाँ पर बैठ के अच्छे से वीडियो बनाया और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है दैट्स एवरीथिंग फॉर टूडेज़ वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है अगर आप वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड फिर कभी मिलता है ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर टिल दैन टेक केयर बाय बाय